तो फाइनली दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो पे। तो आज मुकाबला होने वाला टीम आई वर्सेस नेमलेस स्क्वाड और भाई WSP। देखते हैं WSP से काम तमाम कर देंगे आई प्राइम, जो भी रुके ऐसे नहीं रुकेंगे और फर्स्ट ब्लड निकालेंगे, अपना नाम करेंगे। तो फिलहाल देखेंगे जरूर। और लगातार एक बंदे को 67-90 का डैमेज दिया गया था और कंप्लीट कर देंगे। और भाई दोनों ही तरफ 3-on-3 का फाइट आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला ही राउंड स्टार्ट हुआ और भसड़ मचना स्टार्ट हो गया। तो वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीम आई पे, और मैं हूँ एडम नूब। तो देखेंगे जरूर, फिलहाल फाइट होने वाला है टीम आई वर्सेस नेमलेस स्क्वाड के बीच में। तो नेमलेस स्क्वाड क्या इस मैच को जीत पाती है टीम आई से, या फिर टीम आई नेमलेस स्क्वाड से जीत पाती है। और देखते से आ रही है नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कंप्लीट कर लिया जाएगा और फाइट 2-on-3 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही देखेंगे दूसरी ओर कि टीम आई से कौन कौन से प्लेयर होने वाले और नेमलेस स्क्वाड की तरफ से कौन कौन होने वाले। तो देखेंगे भाई, फाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट राउंड स्टार्ट ही हुआ लेकिन काफ़ी ज़्यादा, ओ भाई एक प्लेयर आया तो टाइफून, जो कि टीम आई की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक प्लेयर और नॉक होते हुए दिखाई दे रहा है। और अब अकेले बचे प्राइम, और प्राइम के सामने होंगे दो दो खोखार प्लेयर। और प्राइम क्या दो प्लेयर को ले पाते हैं या फिर प्राइम का ही ले लिया जाएगा, तो देखेंगे जरूर। फिलहाल अपने आप को तो मेडिकेट मतलब हील किया जा रहा है, तो फिर और सामने से जोन भी आएगा, तो फिर क्या जोन पे ले पाते। ओ भाई कंप्लीट, और क्या ही स्लोमो कंप्लीट हो जाएंगे और मैच 1-0 की लीड आ जाएगी टीम नेमलेस स्क्वाड की तरफ से। और अकेले घुस रहे आर्यन, जो कि आर्यन टीम आई की तरफ से है। तो देखेंगे जरूर फिलहाल फाइट से प्यार का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दूसरा राउंड बनेगा। और 1-0 की हमें लीड में दिखाई देगी टीम नेमलेस स्क्वाड की, स्क्वाड मतलब नेमलेस टीम। तो अरे यार तबीयत खराब है इसलिए काफ़ी आई, तो फिर मैं बता दूँ पहले आप लोगों को नेम। और एक प्लेयर को देखते थे कंप्लीट, और दो दो प्लेयर नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें वेनम की तरफ से, और डबल किल निकालेंगे भाई। सेकेंड राउंड स्टार्ट ही क्या हुआ, और क्या ही रेड नंबर हमें देखने को मिला, और कंप्लीट कर देंगे। और फिलहाल देखेंगे जरूर फाइट 2-on-3 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर मैंने इस राउंड पे भी आप लोगों को नेम नहीं बताया, उसके लिए सॉरी यार भाई। और एक प्लेयर देखते थे नॉक, चीपाकू है, पता नहीं क्या है लेकिन जो भी है कापू है पापू है। और फाइट 1-1 के भाई, ओ भाई फाइट पॉइंट जो है वो 1-1 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो है थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, ये बनेगा अपना सेंटोसा के अंदर, और सेंटोसा के अंदर बनता हुआ दिखाई जाए। तो देखेंगे जरूर फिलहाल नेम होने वाले। ओ भाई रेड नंबर, भाई नेम बताने दे यार, नेम बताने दे, उसके बाद अपना फाइट लेते रहना। और क्या ही रेड नंबर हमें देखने को मिला था। तो टीम आई की तरफ से होने वाले आई प्राइम, आर्यन, वेनम, टाइफून, और वही दूसरी ओर अगेंस्ट में होने वाले, और क्या ही रेड नंबर होने वाले। तो देखेंगे जरूर फिलहाल भाई, मैं बोलते ही रहता हूँ, नाम लेते रहता हूँ, वैसे ही कोई ना कोई नॉक हो जाता है, फिर कोई ना कोई नॉक कर देता है। और क्या ही डैमेज, 16-15 UMP इस मैच में ज़्यादा से ज़्यादा हमें UMP देखने को मिलती है, क्योंकि UMP काफ़ी बेहतरीन चलती है और मूवमेंट स्पीड को तो बिल्कुल भी कमी नहीं है लड़कों के पास। और क्या ही खेल रहे। तो देखेंगे जरूर फिलहाल टीम आई की तरफ से होने वाले, टीम नेमलेस स्क्वाड की तरफ से होने वाले हैं चीपाकू, मुकेश, द एन एस और ब्लैक 444। तो देखेंगे जरूर फिलहाल, अब दो दो बंदे नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इमोट दिखाया जा रहा है, इमोट दिखाना मना किया गया था यहाँ पे। तो फिलहाल देखेंगे जरूर। और अब अकेले कौन बचे, अकेले बचे द एन एस। भाई साहब क्या नेम रखे हो, क्या बोलूँ मैं, और अब प्रेशर बढ़ेगा लग रहा है। अकेले हैं लेकिन कहाँ से घुसेंगे, और एक प्लेयर सामने आएंगे लेकिन क्या ही डैमेज दिए थे, लगभग 100 से ज़्यादा कि उनकी हेल्थ लो करी गई थी। तो देखेंगे जरूर क्या ले पाते, 1-on-4 मूवमेंट तो काफ़ी तगड़ी इनके पास, लेकिन चारों तरफ से फंसेंगे और प्रेशर बनेगा और इनको कम्प्लीट कर दिया जाएगा। और फाइट पॉइंट 2-1 पे, वो भाई साहब। और फोर्थ राउंड की बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें क्लॉक टावर के, और देखते थे फर्स्ट ब्लड आएगा टाइफून FF की तरफ से, टीम आई के प्लेयर है नए आए गेंद पे, और दो दो प्लेयर नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसका किल आएगा भाई, आर्यन का लग रहा है मुझे, क्योंकि आर्यन रुके से नहीं रुकते और छोड़ते भी नहीं अगर कोई प्लेयर आ जाते। तो देखेंगे जरूर फिलहाल 1-on-4, पिछले राउंड पे भी आप लोगों ने देखा था कि 1-on-4 सिचुएशन थी, और इस राउंड पे भी था अकेले कौन बचा, अकेले फिर से कोई नहीं बचा, और कंप्लीट हो जाएंगे और 3-1 की लीड आ जाएगी टीम आई के पास। और पांचवा राउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, जो कि बनेगा सेंटोसा नहीं, केप टाउन के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे जरूर फिलहाल फाइट 4-on-4 का आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वही दूसरी ओर 3-1 की लीड में दिखाई देगी हमें टीम आई की स्क्वाड। तो फिलहाल
आईट तो काफी अच्छा चल रहा है, दोनों टीमें क्या ही परफॉर्म कर रही है। अब अकेले घुसे आर्यन और नॉक हो जाएंगे, फिर नॉक कर देंगे तो देखेंगे जरूर। और वॉल तो अच्छी खासी लगाने की प्रैक्टिस थी लेकिन वॉल नहीं लगा पाए, लेकिन नॉक हो जाएंगे। और वही दूसरी ओर 3-on-3 पे फाइट आता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से। अच्छा ऑफलाइन हो गए। ब्लैक ट्रिपल फोर है भाई, ब्लैक ट्रिपल सेवन ही बोल रहा हूँ यार कब से, तो देखेंगे जरूर। और अब अकेले घुसने टाइफून, और टाइफून भी नॉक हो जाएंगे। M10 का तुक्का पड़ेगा भारी और हेडशॉट खा जाएंगे। और अब अकेले बचे वेनम, और वेनम भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिलहाल 2-1 की वापसी का संकेत दे देंगे टीम नेमलेस की स्क्वाड। भाई दोनों ही टीमें क्या ही टक्कर का मुकाबला कर रही है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मैच पे कोई भी डबल वेक्टर नहीं चलाएगा, और डबल वेक्टर के साथ साथ कोई भी डबल ओम का नज़ारा आपको नहीं देखने को मिलेगा। और थर्ड सबसे लास्ट रूल है जो हाइट का एडवांटेज कोई भी नहीं लेगा। तो फिलहाल दो दो प्लेयर नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब अकेले रस हो जाएगा प्राइम की तरफ से, और प्राइम खुद नॉक हो जाएंगे तो देखेंगे जरूर। फिलहाल फाइट 2-on-3 पे, और अब अकेले बचे मुकेश, नहीं दो प्लेयर बचे, ब्लैक बचे और मुकेश बचे, देखेंगे जरूर। फिलहाल फाइट होने वाला है 2-on-3 पे, और अब वेनम आएंगे, वेनम साथ में नॉक हो जाएंगे। लग रहा है M10 काफ़ी बेहतरीन चलाया जा रहा है यार, काफ़ी बेहतरीन, इतनी गंदी M10 चलाई जा रही है, पूछो ही मत, इतने बेहतरीन तरीके से। और अब अकेले बचे ब्लैक ट्रिपल फोर, तो फिलहाल देखेंगे जरूर। फाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है 1-on-3 पे, कभी 1-on-4 होता है तो कभी 1-on-3 पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनके पास बॉल नहीं है क्योंकि थोड़े से ऑफलाइन हो गए। तो और अब बॉल आ गया, और क्या ही डैमेज दिया गया था, UMP का हेडशॉट रुके से नहीं रुकेगा, और बॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है इनके हाथ पे। अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब भाई मैं आ गया हूँ, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे करके बोल रहे हैं। और अब देखेंगे जरूर 1-on-3, और क्या ही सभी को डैमेज है, सबकी हेल्थ लो करे जा रहे हैं। और देखेंगे जरूर, फिलहाल फाइट होने वाला है 1-on-3 पे, और अब इनके ऊपर रस होगा। और एक प्लेयर को देख के नॉक आ रही है, नॉक होते हुए दिखाई दे रहा है। और वही दूसरी ओर कौन बचे, टाइफून का हेडशॉट पड़ा भारी, लेकिन कंप्लीट भी हो जाएंगे। और क्या ही रेड नंबर, अरे भाई उनकी हेल्थ लगभग 10-5 की बची, और डैमेज खाए भी हैं और डैमेज दिए भी, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से कमबैक तो कर रही थी टीम नेमलेस की स्क्वाड। क्या कमबैक कर पाती है इस राउंड। फिलहाल 2-1 से हमें लीड में दिखाई देगी टीम नेमलेस की स्क्वाड, तो देखेंगे जरूर। और एक प्लेयर सामने टाइफून के मुंह पे थे तो, लेकिन उनको नॉक नहीं किया गया। और फाइट थ्री ऑन फोर पे आता वो दिखाई दे रहा है। और इस राउंड पे जहाज से कम बैक करना चाहिए, थोड़ी सी हमें बिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी टीम नेमलेस की स्क्वाड। क्या कम बैक करने का मौका दिया जाता या फिर नहीं दिया जाता, तो देखेंगे जरूर। और डैमेज खाए जा रहे हैं मुकेश को थोड़ा सा डैमेज पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाई दो प्लेयर सामने होने वाले हैं, और आर्यन रद्द कर रहे हैं, और इधर प्राइम बैकअप दे रहे हैं, तो देखेंगे जरूर। फिलहाल और एक प्लेयर देखती सी नॉक होते हुए दिखाई दे रहा है। और अब शायद से लग रहा है कि कम बैक करने का मौका शायद से दिया जाएगा इन्हें, या फिर ये खुद भी अपने दम पे कम बैक कर पाते, तो देखेंगे जरूर। फिलहाल सभी के प्लेयर अपने ही दम पे करते हैं, तो इसे दिल पे मत लेना, मैंने जस्ट फन के लिए बोल रहा था, और फन थोड़ा सा भारी पड़ गया मुझे। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, फाइट होने वाले। और एक प्लेयर को देखते से नॉक ले लिया गया, और कंप्लीट करना चाहेंगे शायद नहीं चाहेंगे, लेकिन खुद भी नॉक हो जाएंगे प्राइम, और इनकी भी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो थी, लेकिन कंप्लीट हो जाएंगे। और 4-3 के वापसी के संकेत दे दिए जनाब कि अब हम नहीं वापसी करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता ऐसे करके। तो फिलहाल अच्छी खासी वापसी कर रही है, 4-3 की लीड आती हुई दिखाई दे रही है हमें टीम नेमलेस की स्क्वाड के पास। और एक प्लेयर देखती थी नॉक, वेनम को नॉक ले लिया गया, और फाइट फिर से 4-on-4 पे हील किया जाएंगे अपने आप को, और 2 मेडिकेट भी खत्म हो जाएगी। और क्या ही रेड नंबर के नीचे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, दोनों ही टीमें क्या ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करी, और दो दो प्लेयर नॉक होते हुए दिखाई देंगे। भाई ब्लैक ट्रिपल फोर क्या ही खेल रहे हैं, और डबल किल मार लेंगे देखते सी 8वां राउंड के अंदर, जो कि फैक्ट्री के अंदर बनेगा। और अब अकेले बचे वेनम, और वेनम के सामने होंगे 4000 प्लेयर। क्या वेनम अपनी स्पीड और मूवमेंट के साथ ले पाते हैं, या फिर वेनम को ले लिया जाएगा। और भाई क्या ही सभी के सभी प्लेयर घुसे, और क्या ही रेड नंबर को दिया गया था, लेकिन नॉक हो जाएंगे, नॉक नहीं कंप्लीट कर देंगे M10 से, और मैच आ जाएगा 4-4 पे। भाई साहब क्या बात है, और क्या ही कमबैक कर रही है नेमलेस की स्क्वाड। वही दूसरी ओर DMI की स्क्वाड भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेल रही है, दोनों ही टीमें अच्छे से खेल रही, और एक प्लेयर को देखते ही कंप्लीट कर दिया जाएगा पिकाचू को, जो कि पिकाचू अच्छे खासे खेल रहा है। और वही दूसरी ओर मुकेश, जो कि अपने टीम की तरफ से MVP बनते हुए दिखाई दे रहा है, और एक प्लेयर को M10 से ले लिया जाएगा आर्यन को। भाई M10 रुके से नहीं रुकेगा M10, भाई सब क्या ही चला रहे हैं। और एक प्लेयर को देखते और कंप्लीट कर दिया जाएगा, देखेंगे जरूर। फिलहाल फाइट थ्री ऑन थ्री पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब कहाँ पे जाएगा मैच, ओ भाई साहब क्या ही रेड नंबर, और एक प्लेयर को देखती सी नॉक। और फाइट टू ऑन वन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और
और इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो होती हुई दिखाई देगी, हमें काफ़ी ज़्यादा लो होती हुई दिखाई देगी। मुकेश की हेल्थ और कंप्लीट और मैच पॉइंट जो है वो 5-4 पे, वही दूसरी वो टीम आई की तरफ से सभी के सभी प्लेयर अपने तरफ से एमवीपी बनते हुए दिखाई देगा। और अब अकेले घुस रहे वेनम तो फिलहाल देखेंगे जरूर, और एक देर को दिखते ही नॉक ले लिया गया और वेनम के सामने एक प्लेयर है तो क्या ले पाते, फर्स्ट लड़ाएगा आर्यन का। भाई ये मुंह पे, भाई ये क्या कर रहा है, मुंह पे प्लेयर है लेकिन मार ही नहीं रहा है और अपने आप को हील करे जा रहे थे, भाई साहब क्या कर रहे थे समझ भी नहीं आ रहा था। और अब मुकेश इधर से रोटेशन लेके कि कोई भी प्लेयर आए तो फिर मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, और क्या ही वॉल, क्या ही दिमाग और क्या ही साथी लड़ाई से खेलते हुए दिखाई दे रहा है, और नॉक हो जाएंगे, नॉक भी कर देंगे तो देखेंगे जरूर। फाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है 3-on-4 पे, और इधर भाई सभी तरफ फाइट हो रहा है यार इस मैच पे, कहाँ पे दिखाऊँ मैं कहाँ पे ना दिखाऊँ समझ भी नहीं आ रहा था। और इधर दो दो प्लेयर को नॉक कर चुके, घुटनों के बल टेकाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें मुकेश, और क्या ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से और लीड भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल 6-4 पे आ गए भाई, अरे 6-4 पे मैच पॉइंट जो है कितना टाइम खत्म हुआ और कितना टाइम क्या हुआ समझ भी नहीं आया यार, तो फिलहाल देखिएगा जरूर। और अच्छे खासे थोड़े से कमबैक करते हुए दिखाई दे रही है हमें टीम आई की स्क्वाड, और पिछले 2-3 राउंडों से थोड़ी सी बिछड़ती हुई हमें दिखाई देगी टीम, कौन सी टीम है, नेमलेस की स्क्वाड, तो देखेंगे जरूर। और थोड़ा सा मेरा पिंग तो नहीं लुचा हुआ था भाई, यहाँ पे पिंग लुचा नहीं हुआ था। और फिलहाल 4-on-3 का फाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या ही मोड शॉट से मेडिकेट किया जा रहा था तो देखेंगे जरूर। फिलहाल अब अकेले ही घुस रहे जो कि गिल्ड लीडर ब्लैक 444 और पूरे के पूरे ऊपर चढ़ने के फिराक पर थे लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, और ग्लिच थोड़ा सा होगा इनके सामने तो देखेंगे जरूर। फिलहाल और एक प्लेयर और वेनम के सामने होंगे, और वेनम ने डैमेज दिया था लेकिन नॉक भी लेके चले जाएंगे, और देखेंगे जरूर कि फाइट कहाँ पे होने वाला है। और मुकेश की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो, भाई क्या आ रहा है, नंबर मारे जा रहे हैं भाई, जब ओ भाई जहर हेडशॉट यार, जहर हेडशॉट, कोई रुके से नहीं रुक रहे तो जब गिल्ड लीडर आया तो फिर भाई सामने वाले की हालत खराब कर देते, और कंप्लीट ओ भाई साहब, भाई इस बंदे ने लेट के मार दिया ओ भाई साहब क्या ही बात थी, कोई बात नहीं। और टाइफून भी अच्छे खेले जो कि नया प्लेयर है टीम आई की तरफ से, अच्छा परफॉर्म रहा है इनका, तो 7-4 से विनिंग रही आज टीम आई की स्क्वाड। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, और 10 किल के साथ एमवीपी बने रहे हैं टाइफून, और वही दूसरी बार मुकेश 7 किल के साथ एमवीपी बने रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल के एक नए वीडियो पे, तब तक ले बाय बाय।